औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बच्चों पर तशद्दुद, यानी कि बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की जो ममानत का जो बिल है वो सेनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो बिल बच्चों के बारे में जो बिल आया है उन पर जो तशद्दुद किया जाता है स्कूल के अंदर, मदरसों के अंदर वगैरह वगैरह, तो इस बारे में कानून क्या कहता है, बिल में क्या कहा गया है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की ममानत का बिल सेनेट ने इंसानी हकूक की कमेटी में मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जिसके मुताबिक बच्चों के बाल कान खींचना या धमकाना ये जुर्म करार दिया गया है। बच्चों को करंट लगाना, उनको थप्पड़ मारना या बेल्ट से मारना या स्टिक मारना, स्टिक से जैसे वो थप्पड़ वगैरह मारते हैं या हाथ पे लगाते हैं स्कूल के अंदर, जूते मारना, लात मारना या चमचा से मारना, चम्मच जो होता है उससे मारना, ये मारना भी जुर्म करार दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको थप्पड़ मारने पर भी सजा होगी। अगर कोई टीचर, अगर कोई उस्ताद उसका स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर या कोई यतीम खाना वगैरह का जो अदारा जात हैं जितने भी सरकारी हैं, अगर उन पर थप्पड़ भी वो रसीद करते हैं तो उन वो भी एक जुर्म करार दिया गया है। सजा देने में मुलव्वस जो शख्स है इसकी तंजली मुअत्तल या बरतरफ किया जा सकता है। इतलाक जो है स्कूल्स, मदारस, यतीम खानों व दीगर अदारों पर होगा, यानी कि जो यतीम खाने हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी अगर इस तरह का या अगर उन पर तशद्दुद किया जाता है, करंट लगाया जाता है, स्टिक से पिटाई की जाती है, जूते मारे जाते हैं या चम्मच से उनकी पिटाई की जाती है, तो ये जुर्म करार है। और कानून के मुताबिक जो इस बिल में जो सज़ा बताई गई है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको सज़ा होगी। तो ये मुतफ़क़्क़ा तौर पर यह बिल सेनेट ने मंजूर कर लिया है। और ये जो इसमें मदरजा ज़ैल जो मैंने बातें बताई हैं, तो अगर ये चीज़ें उसमें, और बच्चों के बाल काटना, खींचना या उनको धमकाना भी जुर्म तसव्वुर होगा। और कानून के मुताबिक उनको जो टीचर्स हैं या जो उनके साधु कराम जो होंगे, साधा कराम होंगे या जो उनके जो ऑनर अदारे का, सरकारी अदारे का जो ऑनर वगैरह होगा, इस तरह के वो उनके कानून के मुताबिक वो कानून की जो गिरफ्त है उनसे वो नहीं बच सकता, और कानून के मुताबिक जो मुनासिब सज़ा है उनको दी जा सकती है, प्लस जुर्माना भी होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।